वंदे मातरम रेडियो हिंदुस्तान आज जय रजनी लेकर आई आपके लिए रेडियो कहानी आरी की कीमत एक बार की बात है एक बड़ा ही था वह दूर नया सा शहर में एक सेठ के यहाँ काम करने गया एक दिन काम करते करते उसकी आरी टूट गई बिना आरी के वह काम नहीं कर सकता था और वापस अपने गांव लौटना भी मुश्किल था इसलिए वह शहर से सटे भुरासर गांव पहुंचा इधर उधर पूछने पर उसे लोहार का पता चल गया वह लोहार के पास गया और बोला भाई मेरी आरी टूट गई है तुम मेरे लिए एक अच्छी सी आरी बना दो लोहार बोला बना दूंगा पर इसमें समय लगेगा तुम कल इसी वक्त आकर मुझसे आरी ले सकते हो बढ़ई को तो जल्दी थी सो उसने कहा भाई कुछ पैसे अधिक ले लो पर मुझे अभी आरी बना दो बात पैसे की नहीं है भाई अगर मैं इतनी जल्दबाजी में औजार बनाऊंगा तो मुझे खुद उससे संतुष्टि नहीं होगी मैं औजार बनाने में कभी भी अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखता लोहार ने समझाया बड़ा तैयार हो गया और अगले दिन आकर अपनी आरी ले गया आरी बहुत अच्छी बनी थी बड़ा पहले की अपेक्षा आसानी से और अच्छे से बेहतर काम कर पा रहा था बड़ई ने खुशी से ये बात अपने सेठ को भी बताई और लोहार की खूब प्रशंसा की सेठ ने भी आरी को करीब से देखा इसके कितने पैसे लिए उस लोहार ने सेठ ने बड़ई से पूछा दस रुपए। सेठ ने मन ही मन सोचा शहर में इतनी अच्छी आरी के तो कोई भी तीस रुपए देने को तैयार हो जाएगा क्यों न उस लोहार से ऐसी दर्जनों आरिया बनवाकर शहर में बेचा जाए अगले दिन सेठ लोहार के पास पहुंचा और बोला मैं तुमसे ढेर सारी आरिया बनवाऊंगा और हर आरी के दस रुपए भी दूंगा लेकिन मेरी एक शर्त है आज के बाद तुम सिर्फ मेरे लिए काम करोगे किसी और को आरी बनाकर नहीं बेचोगे मैं आपकी शर्त नहीं मान सकता लोहार बोला सेठ ने सोचा कि लोहार को और अधिक पैसे चाहिए वह बोला ठीक है मैं तुम्हें हर आरी के पंद्रह रुपए दूंगा अब तो मेरी शर्त मंजूर है लोहार इससे इस ज्यादा दाम मुझे नहीं चाहिए बड़े अजीब आदमी हो भला कोई आधी हुई लक्ष्मी को मना करता है व्यापारी ने आश्चर्य से बोला लोहार बोला आप मुझसे आरी लोगे और फिर उसे दुगने दाम में गरीब खरीदारों को बेचोगे लेकिन मैं किसी गरीब के शोषण का माध्यम नहीं बन सकता अगर मैं लालच करूंगा, तो उसका भुगतान कई लोगों को करना होगा। इसलिए आपका ये प्रस्ताव मैं स्वीकार नहीं कर सकता सेठ समझ गया कि एक सच्चे और ईमानदार व्यक्ति को दुनिया की कोई दौलत नहीं खरीद सकती वह अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता है अपने हिस्से ऊपर उठकर और लोगों के बारे में सोचना एक महान गुण है लोहार चाहता तो आसानी से अच्छे पैसे कमा सकता था पर वह जानता था कि उसका जरा सा लालच बहुत से जरूरतमंद लोगों के लिए नुकसानदायक साबित होगा और वह सेठ के लालच में नहीं पड़ता मित्रों अगर ध्यान से देखा जाए तो लोहार की तरह हम में से अधिकतर लोग जानते हैं कि कब हमारे स्वार्थ की वजह से बाकी लोगों को नुकसान होता है पर जानते हुए भी हम अपने फायदे के लिए काम करते हैं हमें इस व्यवहार को बदलना होगा बाकी लोग क्या करते हैं इसकी परवाह किए बगैर हमें खुद ये फैसला करना होगा कि हम अपने फ़ायदे के लिए ऐसा कोई काम ना करें जिससे औरों को तकलीफ़ पहुंचती हो बने रहें हमारे साथ रेडी हिंदुस्तान पर सबको सिखाएं पेड़ लगाएं सबको सिखाएं जल बचाएं।